जगत्याला सभा में झूठ बोलने पर एमएससी जीवन रेड्डी ने पीएम मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसानों को हल्दी की खेती पर भरोसा नहीं है, मोदी हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रहे। जीवन रेड्डी ने कहा कि हल्दी बोर्ड लगाने की मांग काफी समय से हो रही है। उन्होंने पूछा कि क्या आप वही हैं जो कल तक सत्ता में थे। उन्होंने सवाल किया कि चीनी मिल पहले क्यों नहीं खोली गई, अपने 5 साल तक क्या किया। उन्होंने चीनी मिल बंद होने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि आप खुद ही बंद करोगे और खुद ही खोलोगे। बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने रेवंत रेड्डी की उस टिप्पणी पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा गया था कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि वे उनकी सरकार गिरा देंगे। बीजेपी रेवंत रेड्डी की सरकार को गिराने वाली नहीं है, वहीं अगर सरकार गिरने वाली है तो उसे बचा भी नहीं पाएंगे। रेवंत रेड्डी का कहना है कि गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों को सावधान रहना चाहिए कि वे उन गेटों से बाहर न जाएं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने प्रमुख टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तेलंगाना में डबल इंजन सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। क्या हमें वाकई तेलंगाना में ऐसी कांग्रेस पार्टी की जरूरत है जो देश में कहीं नहीं है? यह तय है कि कांग्रेस पार्टी कल पूरा देश हार जाएगी। राहुल गांधी राजनीतिक रूप से असफल नेता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में प्रधानमंत्री मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ आएं। मेरठ नगर पालिका पार्षद रामन्नागारी मणिकंठा गौड़ ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने उन नेताओं को धोखा दिया जिन्होंने मेरठ जिले को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अभियान चलाया है। वे इस बात से नाराज है कि आंदोलन के नेताओं की बजाय आंदोलन के गद्दारों को पद दिए गए। मेरठ निर्वाचन क्षेत्र में मेरठ जिला अध्यक्ष हरिवर्धन रेड्डी, प्रभारी वज्रेश यादव, पूर्व विधायक सुधीर रेड्डी, राज्य नेता नक्का प्रभाकर गौड़ ने रामन्ना मणिकंठा गौड़ को अंगवस्त्र पहनाकर कांग्रेस पार्टी में आमंत्रित किया। मणिकंठ गौड़ ने कहा कि बीआरएस पार्टी में नगर सेवक और पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए बीआरएस ने लाखों रुपए लेकर बीआरएस का भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व के कारण कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मेरठ नगर पालिका से जुड़े कुछ अन्य पार्षदों के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। बीजेपी नेता रघुनंदन राव ने जितेंद्र रेड्डी और रंजीत रेड्डी के पार्टी बदलने पर सनसनीखेज टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों के पार्टी बदलने के पीछे सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए हैं। रघुनंदन राव ने आरोप लगाया है कि वे उस पैसे से कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ने वालों को फंडिंग करने जा रहे हैं। जितेंद्र रेड्डी और रंजीत रेड्डी के कांग्रेस में जाने के पीछे क्या वित्तीय लेन देन है? इससे आपको क्या आर्थिक लाभ होता है? आपके लिए व्यक्तिगत लाभ क्या है? रघुनंदन राव ने कहा कि हम सब जानते हैं कि जनता अब दोनों को सबक सिखाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज सेमिनार हॉल में तेलंगाना मुदिराज छात्र संघ के तत्वावधान में मुदिराज छात्रों की एक आत्मीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में तेलंगाना के 33 जिलों में मुदिराज के छात्रों और मुदिराज समुदाय के नेताओं ने भाग लिया और संबोधित किया। इस अवसर पर मुदिराजस के लिए 10,000 करोड़ रुपए से एक विशेष निगम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को विशेष धन्यवाद। मुदिराज स्टूडेंट यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी ने कहा कि हमें जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सभी क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। मछुआरों के लिए एक सुरक्षा कानून लाया जाना चाहिए। मुदिराज ने हैदराबाद में छात्रों को छात्रावास आवास प्रदान करने की भी अपील की है। उन्होंने राज्य सरकार से बीसीडी से बीसीए तक आरक्षण लागू करने की मांग की। दमन आम बात है, मुक्ति ही लक्ष्य होना चाहिए। आरएसएस प्रवीण कुमार ने कहा कि पिछले 10 साल केसीआर शासन में स्वर्ण युग था, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केसीआर सत्ता में नहीं है। आरएस प्रवीण कुमार ने हैदराबाद के तेलंगाना भवन में बीआरएस नेताओं से मुलाकात की। आरएसएस प्रवीण कुमार, जिन्होंने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, बीआरएस में शामिल हो गए। इसी क्रम में आरएस प्रवीण कुमार ने हाल ही में सीएम रेवंत रेड्डी द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब दिया। यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं प्रवेश करने वाले भेड़ों के झुंड में से एक नहीं हूँ। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि मैं भी पालामुरु का बेटा हूँ। यह सच है कि मुझे टीएसपीएससी की पेशकश की गई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। कोई भी कहीं भी काम करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि तेलंगानावाद और भोजनवाद एक है। जिले के पेद्दापल्ली में लकी ड्रॉ में चयनित सभी लाभार्थियों को तत्काल 2-2 कमरों का मकान आवंटित करने की मांग को लेकर लाभार्थियों ने कलेक्टर मुजम्मिल खान को घेराव किया। जब कलेक्टर अपने कर्तव्य में शामिल हुए तो लगभग 400 लाभार्थी कलेक्टर कार्यालय में जमा हो गए। 2 बेड के मकान के लिए वे हर सोमवार को कलेक्ट्रेट आ रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। कलेक्टर ने पीड़ितों की बातों का जवाब दिया। कलेक्टर को बताया गया है कि 1.5 साल से भी कम समय पहले अधिकारियों ने लकी ड्रॉ निकाला और लाभार्थियों का चयन किया। हालांकि हितग्राहियों में बहस हो गई और कलेक्टर वहां से कार्यालय चले गए। इसके बाद लाभुकों ने एक बार फिर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। हाल ही में बीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पर लोगों का आगमन हुआ है। कई लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें राज्य में कांग्रेस पार्टी की योजनाएं पसंद है। इसी क्रम में बंडुंग पेट नगर निगम के 10वें डिवीजन इंद्रम्मा काल के JNNURM कॉलोनी के लगभग 150 लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए।
बोधरामोनी मधु के नेतृत्व में कांग्रेस प्रशासन से आकर्षित होकर बीआरएस पार्टी से लगभग 150 लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में महेश्वरम कांग्रेस पार्टी के प्रभारी पूर्व विधायक किचना लक्ष्मण रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों को स्कार्फ पहनाकर पार्टी में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में मेयर चिंगिरिंता परिजाता नरसिम्हा रेड्डी, फ्लोर लीडर वनगिटी प्रभाकर रेड्डी, नगर सेवक बंडरी मनोहर आनंद और अन्य ने भाग लिया। मलकाजगिरी बीआरएस सांसद उम्मीदवार रागदी लक्ष्मण रेड्डी ने हैदराबाद के हापसीगुड़ा में एक बैठक की। इस कार्यक्रम में उपल बीआरएस विधायक बंडारी लक्ष्मण रेड्डी ने हिस्सा लिया और सांसद प्रत्याशी रागदी लक्ष्मण रेड्डी को बधाई दी। उपल विधायक बंडारू लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस पार्टी की जीत के लिए कड़ी मेहनत करने वाले रागदी लक्ष्मण रेड्डी को सांसद के रूप में मौका दिया गया था। रागदी लक्ष्मण रेड्डी ने देश के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र मलकाजगिरी से बीआरएस पार्टी का सांसद बनने का अवसर देने के लिए केसीआर केटीआर और हरीश राव को धन्यवाद दिया। गर्मी की शुरुआत के मौके पर लोगों को प्यास बुझाने के लिए कई जगहों पर चलिवेंद्रम केंद्र स्थापित किए जाते हैं। इस क्रम में नागौल डिवीजन में महेश और कोट्टया लगभग 9 वर्षों से नागौल कट्टा पर चलिवेंद्रम कर रहे। मुख्य अतिथि के रूप में नागौल ग्रामीण बद्दाम सत्यनारायण उपस्थित रहे और चलिवेंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे चालीवेंद्र सड़क से गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। दिन ब दिन बढ़ते तापमान के बीच हर दिन औसतन 3 या 4 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है। मैं नागौल गांव के उन सदस्यों को विशेष बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे चलिवेंद्र बनाए हैं। इस कार्यक्रम में बद्दम नरेंद्र गौड़ उमेश गौड़ समेत अन्य लोग शामिल हुए। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कहा कि घर बैठे मतदान के लिए 22 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। राज्य चुनाव अधिकारी विकास राज ने हैदराबाद में एक बैठक आयोजित की। पता चला है कि चंचलगुड़ा में ईवीएम मतपत्रों की छपाई होती है। विकास राज ने कहा कि पिछले साल 2.09 लाख लोगों ने पोस्टल और होम वोटिंग की थी। राज्य चुनाव अधिकारी विकास राज ने हैदराबाद में एक बैठक आयोजित की। इस कैन बी स्टिल कंटिन्यूड, पीपल कैन स्टिल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एंड दिस कैन कंटिन्यू अप टू 15th ऑफ अप्रैल। सो लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर फॉर्म 6 इज 15th ऑफ अप्रैल। सिमिलरली फॉर्म 8 द्वारा शिफ्टिंग कोसम 15th ऑफ अप्रैल वरकू टाइम उंदी। कानी फॉर्म 8 लो मिगता करेक्शन एंड फॉर्म 7 ई रेंडु इट हैज ऑलरेडी स्टॉप्ड along with the announcement. So this there is no more further form 7 which will be taken or form 8 for correction will not be taken. However, which has already come before that, we will dispose them. Just to give an idea of the work done after the assembly election gurinchi meeku telusu, I am not going to get into that. After assembly elections, as on today, 12,49,625 new voters have been enrolled. 8,58,491 voters have been deleted. So net addition of about 4 lakhs is there. Of course, modification of about 7,69,000 voters have been done. Modifications ante. कृष्णा नायक को सर्वसम्मति से हैदराबाद नेशनल बंजारा मिशन इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के बैठक हॉल में आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष राजेश नाइक व प्रसाद नाइक ने कहा कि पुरानी कमेटी को समाप्त कर नई कमेटी का चुनाव किया गया। उन्होंने कहा कि राजा ने महासचिव के रूप में नई कार्यकारी समिति के सदस्यों को चुना है। इस कार्यक्रम में बिच्चा नाइक, बाऊजी रवि नाइक, तुलसीराम, सीमा राठौड़। पूर्व विधायक शकील को बड़ा झटका लगा है। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 में हिट एंड रन का मामला पुलिस ने दोबारा खोल लिया है। जुबली हिल्स पुलिस ने दुर्घटना के लिए ड्राइवर के अलावा किसी और पर आरोप लगाया है। इसके साथ ही जुबली हिल्स पुलिस ने अब इस मामले को एक बार फिर से खोल दिया है। यह हादसा 17 मार्च 2022 को रोड नंबर 45 पर हुआ। इस घटना में एक कार ने सड़क पार कर रहे 2 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। उस वक्त आरोप लगे थे कि जिस कार ने लड़के को टक्कर मारी वो पूर्व विधायक शकील की है। पुलिस को पता चला है कि कार मिर्जा इंफ्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन शकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस हादसे में 2 साल के एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। कार पर विधायक शकील के नाम का स्टिकर लगा मिला। पूर्व विधायक शकील ने कहा कि यह उनकी कार नहीं थी, उन्होंने स्टिकर अपने दोस्त को दिया था। लेकिन हाल ही में पुलिस ने इस केस को एक बार फिर से खोल दिया। कर्ज चुकाने के लिए चेन स्नैचिंग करने वाले ठग को पुलिस ने बड़ी चालाकी से पकड़ लिया। इस महीने की 14 तारीख को सिद्दीपेट जिले के एन गगुरुतिका कोयडा यादमा के गले से एक अज्ञात व्यक्ति ने 2 तोले की सोने की चेन ले ली। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे के आधार पर
जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुस्ताबाद के आरोपी लवन कुमार ने लोन ऐप्स के जरिए 3 लाख रुपए तक का लोन लिया। सीआई श्रीनिवास ने खुलासा किया कि उसने यूट्यूब पर चोरी करने के तरीके की वीडियो को देखने के बाद चेन स्नैचिंग की, क्योंकि कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। सीआई ने बताया कि आरोपियों से 2 तोला सोना और 1 दुपहिया वाहन जब्त कर रिमांड पर लिया गया। तेलंगाना के कई जिलों में बेमौसम बारिश हो रही है। कई जगहों पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कुछ अन्य जगहों पर ओलावृष्टि होने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसी क्रम में मौसम विभाग ने अहम चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के कई जिलों में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राज्य के कई जिलों में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट में बताया गया है कि कई जिलों में ओलावृष्टि के भी संकेत है। आज और कल विकाराबाद, संगारेड्डी, मेढक, कामारेड्डी और नारायणपेट जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। यह पता चला है कि पेद्दापल्ली, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडेम, नलगोंडा और रंगारेड्डी जिलों में छिटपुट स्थानों पर गरज, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाएं चलेंगी। इस हद तक संबंधित जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजनीति में होने वाले घटनाक्रम कुछ नेताओं की कुंडी बदल देते हैं। यह कलवा कुटला चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के विषय में स्पष्ट रूप से साबित हुआ है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और रेवंत रेड्डी जिन्होंने दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। संयुक्त आंध्र प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले चंद्रबाबू नायडू ने केसीआर को अपने मंत्रिमंडल में न लेकर अलग रखा। इससे नाराज होकर केसीआर ने डिप्टी स्पीकर का पद छोड़ दिया और तेलंगाना आंदोलन शुरू कर दिया। केसीआर ने तेलंगाना आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बन गए। एक राय यह भी है कि अगर चंद्रबाबू ने केसीआर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया होता तो प्रत्यक्ष तेलंगाना का गठन नहीं होता। अब कांग्रेस सरकार की मुखिया और तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी ने शपथ ली थी। कुछ ही समय में इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि इसके लिए केसीआर ही परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। 2014 के चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर की कुटिल रणनीति के तहत रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अपनी इकलौती बेटी की शादी के अवसर पर रेवंत रेड्डी स्कॉर्ट्स जमानत पे बाहर आए और तुरंत फिर से जेल गए। अगर ये घटना नहीं होती तो रेवंत रेड्डी को इतनी प्रतिकार की भावना नहीं होती। उनकी बेटी की शादी के भव्य तरीके से आयोजित करना असंभव बना दिया और उस दिन की घटनाओं को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनके आक्रामक स्वभाव और वाकपटुता से प्रभावित होकर राहुल गांधी ने उन्हें पदोन्नति देते हुए टीपीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया। रूप में रेवंत रेड्डी ने अपनी विश्व रूप दिखाई है। वहीं केसीआर की व्यूह रचनाओं से पतन की ओर से जा रही कांग्रेस पार्टी में रेवंत ने प्राण फूंक दिए। इस पृष्ठभूमि में इधर भारतीय राष्ट्रीय समिति और उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई रणनीतिक गलतियों के साथ केसीआर के विकल्प के रूप में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पहचाना और समर्थन किया है। साथ ही लोगों ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की सराहना की। वहीं ताजा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलने के बावजूद रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने से कुछ ताकतों ने 2 दिनों तक रोकने की कोशिश की। वहीं कुछ नेताओं जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से परे पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश भी नहीं कर सके, उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रचारित किया गया। वहीं स्वाभाविक रूप से केसीआर एंड कंपनी को रेवंत रेड्डी का मुख्यमंत्री बनाना पसंद नहीं है। वहीं आश्चर्य की बात है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी नहीं चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने। वहीं जगन की मन में क्या है ये समझ के भाड़े का मीडिया तुरंत मैदान में उतर आया और ये प्रचार करने लगा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की समस्या जटिल हो गई है। राहुल गांधी ने वास्तविक नतीजों से पहले कांग्रेस के सत्ता में आने पर रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। कुछ नेताओं को इस बात की जानकारी है या नहीं, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक सीएम बनने की आस में दिल्ली गए। वहीं भाड़े की मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई। ऐसे समय में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के आवास पे गए और स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा बिना किसी शोर शराबे के शाम तक जानी चाहिए।
इसके बाद भट्टी विक्रम मार्क और उत्तम कुमार रेड्डी जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की आशा रखने वाले उनके बगल में बैठे और पार्टी के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं आखिरकार रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री का पद मिल गया है जिसका उन्होंने लक्ष्य रखा था। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तेलंगाना की राजनीति में इतनी तेजी से उभरने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। क्या रेवंत रेड्डी उनमें से इतना जुनून और दृढ़ता पैदा करने के लिए केसीआर के प्रति आभारी होंगे या नहीं, यह अलग बात है। विषय में भी केसीआर ने इतनी कृतज्ञता नहीं दिखाई और उल्टा दुश्मनी बढ़ा ली है। वैसे भी रेवंत रेड्डी को जो मनचाहा पद मिला है, अब से उनका सफर कैसा रहेगा, अब सामने क्या चुनौतियां हैं, यह अब बहस का विषय है। रेवंत रेड्डी के आक्रामक स्वभाव और वाकपटुता के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह एक गहरे स्वभाव के भी इंसान हैं। वह पहले ही तय कर लेते हैं कि कब क्या करना है, मुख्यमंत्री के तौर पर क्या करना है, इसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने तैयार कर ली है। वहीं संक्षेप में कहा जाए कि रेवंत रेड्डी दिखने में छोटे हैं लेकिन बुद्धिमता में मोटे हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी को केवल बहुमत ही मिला है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी विधायकों के बीच तालमेल बिठा कर आगे चलने की है। वहीं पिछले 9.5 सालों में बिना किसी लज्जा के अनेक नेता दल बदल हुए, ऐसे में नेताओं को सत्ता के बिना विपक्ष में रहना बेकार दिखने लग गया। इसके साथ ही ऐसे नेता भी है जो अपनी ही पार्टी में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये नेता कभी भी बगल में नश्तर बन सकते हैं। वहीं कार्डियम श्रीहरि के मुताबिक अगर बीजेपी और मजलिस पार्टी के सदस्यों को शामिल कर लिया जाए तो केसीआर की ताकत 54 हो जाएगी। अगर सीपीआई सदस्यों को शामिल कर लिया जाए तो कांग्रेस की ताकत सिर्फ 65 है। तत्पर यह है कि यदि 6-7 विधायक एकजुट हो जाए और बाजू की तरफ देख ले तो सरकार गिर सकती है। भले ही रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी का कितना भी समर्थन हो, लेकिन अब एकमात्र चीज मायने रखती है कि वह एक विधायकों का समर्थन है। जो नेता चुनाव से पहले बीआरएस में शामिल होने के लिए तैयार थे और केसीआर के साथ गलत समझौता किया, वे भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जीते हैं। इस कारण रेवंत रेड्डी के सामने इस समय स्थिर सरकार प्रदान करना आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है। अब सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी से चुनौतियों का सामना करने के लिए बीआरएस से दलबदल को प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। वहीं कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश केसीआर बंद नहीं करेंगे, ये बात रेवंत रेड्डी भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री रेवंत की ओर से बीआरएस की ओर से कुछ विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराने की कोशिश की और कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो रेवंत रेड्डी को दोषी ठहराने की नैतिकता केसीआर बहुत पहले ही खो चुके हैं। वहीं अगले चुनाव तक बीआरएस को नेस्तानाबूद कर बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरने की कोशिश कर सकती है। एक तरह से जितनी मुश्किलें रेवंत रेड्डी को सरकार बचाने की है तो उतनी ही परेशानी केसीआर को अपनी पार्टी को बचाने की है। तेलंगाना राजनीतिक चेहरे पे स्पष्टता पाने के लिए हमें लोकसभा चुनाव का इंतजार करना होगा। वहीं संबंधित पार्टियों का भविष्य अगले 3 से 4 महीने में होने वाला है। लोकसभा चुनाव में जनता के फैसले पे निर्भर करेगा। वहीं लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आकर्षण से भाजपा अच्छी खासी सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अधिकांश सीटें जीतने की कोशिश करेगी क्योंकि वह राज्य में सत्ता में है। इन दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ बीआरएस ही फंसा हुआ है। यदि वह सम्मानजनक संख्या में सीटें नहीं जीतती है तो लोकसभा चुनाव के बाद बीआरएस का भविष्य सवालों के घेरों में होगा। अगर केसीआर कुल 17 सीटों में से कम 6 सीट नहीं जीतती है तो उनके लिए पार्टी को बचाना मुश्किल होगा। इस चुनाव में जीतने वाले 39 विधायकों में से कुछ लोकसभा चुनाव के बाद दल बदल की संभावना अधिक है। कभी एक तरह रेवंत रेड्डी के लिए चुनौती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाले कुछ ही दिन हो गए हैं, लेकिन अभी से ही उनके फैसलों में तेजी दिखने लगी है। समय का सहा पालन कर रहे हैं। वहीं प्रगति भवन का प्रजा भवन में बदल दिया और लोगों को अपनी समस्याएं व्यक्त करने का अवसर दिया है। रेवंत रेड्डी को इस समय प्रजा दरबार लगाने और बिजली विभाग के कामकाज की समीक्षा करने और मंत्री परिषद की पहली बैठक में कुछ सख्ती बरतने और स्मार्ट फैसले लेने के लिए प्रशंसा हो रही है। वहीं शेषाद्रि को मुख्यमंत्री कार्यालय का मुख्य सचिव नियुक्त करना उनका एक और अच्छा निर्णय है। वहीं शेषाद्रि के
एक ईमानदार और सीधे इंसान के रूप में अच्छी पहचान और प्रतिष्ठा है। जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे तब शेषाद्री जो रंगा रेड्डी के कलेक्टर के रूप में काम किए थे वहीं सरकार की नीति से अलग हो गए हैं। वहीं शिवधर रेड्डी को इंटेलिजेंस चीफ नियुक्त करना भी एक सही कदम है। हालांकि यही शिवधर रेड्डी खुफिया प्रमुख थे तब रेवंत रेड्डी वोट के बदले नोट मामले में फंस गए थे। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर को सहज ही शिवधर रेड्डी पर संदेह हुआ और उन्हें बिना किसी महत्वपूर्ण वाले पद पे स्थानांतरित कर दिया गया। फिलहाल रेवंत रेड्डी के पास मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने और लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए केवल 3 से 4 महीने का समय है। तब तक इस पार्टी के विधायक और जनता रेवंत रेड्डी पे कड़ी नजर रखेगी। इस दौरान रेवंत रेड्डी को यह दिखाना होगा वह कौन है और उनकी प्राथमिकताएं क्या है। वहीं रेवंत को ये सिद्ध करना होगा कि वह केसीआर से भी एक बेहतर नेता है। वहीं संयुक्त आंध्र प्रदेश में पद यात्रा करके मुख्यमंत्री का पद हासिल करने वाले राजशेखर रेड्डी भी सत्ता में आने के बाद एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। वह राज्य कांग्रेस में एक निर्विवाद नेता बन गए हैं। वहीं मौजूदा स्थिति की तुलना उस स्थिति से नहीं की जा सकती है जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बने थे। जब वाईएसआर मुख्यमंत्री बने तब तक कांग्रेस पार्टी में सबसे मजबूत नेता माने जाने वाले नेताओं का निधन हो चुका था। बाकी बचे नेताओं को वाईएसआर ने रौंद कर रख दिया। वहीं चुआना रेड्डी और दिवाकर रेड्डी जैसे लोगों को कैबिनेट से हटा दिए गए हैं तो तभी कोई सवाल करने की स्थिति नहीं थी क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी इसलिए कोई भी नेतृत्व को अधिकार नहीं करते हैं। अब रेवंत रेड्डी के पास ऐसी कोई लचीलापन नहीं है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ऐसी स्थिति में है जहां उन्हें कांग्रेस पार्टी को जीवित रखते हुए खुद को मजबूत करना होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ होने के नाते उनका मुकाबला उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रम मार्ग से है। वहीं इस कारण मुख्यमंत्री को तब तक विनार में रहने की ज़रूरत है जब तक स्थिति उनके पक्ष में ना हो जाए। वहीं कुछ मामलों में जो लोग मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं उन्हें पद पर बने रहने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वे नहीं करना चाहते। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी में अधिक है। यदि आप पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को देखें तो वह शांत और सहमति रहने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने का ये सही समय नहीं है। रेवंत रेड्डी को फिलहाल संयम और समन्वय से काम लेना चाहिए। केवल लोकसभा चुनाव तक ही नहीं उसके बाद भी लोकतांत्रिक शासन प्रदान करने के एक मजबूत नेता बनाने का प्रयास करना होगा। वहीं रेवंत रेड्डी का राजनीतिक जीवन अभी भी 2 दशक का है। सरकार को स्थिर करने के अलावा अगर वे इस कार्यालय तक ऐसी ही जारी रखते हैं तो कांग्रेस पार्टी में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व को कोई धोखा नहीं होगा। वे एक शक्तिशाली नेता हो जाएंगे। वहीं उम्मीदवारों के चयन के दौरान भी उन्होंने समझौता करने की प्रवृत्ति दिखाई है। वहीं पटेल रमेश रेड्डी को सूर्यापेट में अपने खास व्यक्ति पटेल रमेश पार्टी को टिकट नहीं दिया गया है लेकिन वे पीछे नहीं हटे। वहीं रेवंत रेड्डी जानते हैं